खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सीधे जिले के बहुचर्चित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कारनामे चर्चित रहते हैं। बताया जा रहा है कि कल जब बारिश हो रही थी तब कंपनी के अधिकारी एसी रूम में आराम से बैठे हुए थे, तभी गरीब बस्ती बुडगोना में पानी का कहर जारी था। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हम लोगों के बस्ती के करीब 50 मीटर दूर पर माइंस स्थापित किया गया है, जिससे ब्लास्टिंग के चलते आए दिन पत्थर उचक आते हैं। उसके पश्चात आज तो हद ही हो गई। पहाड़ के पानी निकासी के लिए पूरा बस्ती के तरफ अल्ट्राटेक प्रबंधक के ठेकेदार द्वारा मोड़ दिया गया, जिससे चार घर गिर गए एवं पूरे बस्ती में पानी ही पानी हो गया। खाने की सामग्री बर्बाद हो गई, छोटे छोटे बच्चे बहने लगे, जिसकी सूचना चौकी प्रभारी पिपरा एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला सोशल मीडिया प्रभारी अवंतिका सिंह को दी गई। जब जाकर 9 बजे रात भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी अवंतिका सिंह ने आकर जांच की, लेकिन प्रबंधक को सूचना दी गई, प्रबंधक के ना सुनने पर 11 बजे रात लगभग सैकड़ों महिलाएं पुरुष बुजुर्ग पिपराब चौकी में सूचना देकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। पूरी रात महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर गेट पर बैठी रहीं। जिम्मेदार अल्ट्राटेक प्रबंधक के अधिकारी एसी रूम में खर्राटे भरते रहे। जब सुबह हुई तो प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा बुलाकर मौखिक रूप की बात की गई, जिसमें समाजसेवी तेज बहादुर सिंह एवं राजेश साकेत सभी लोगों की बातों को क्रम से रखकर उसके पश्चात सभी लोगों के सामने प्रबंधक के अधिकारी बात किए, जिसमें सहमति ये बनी कि 11 दिन 4 से 5 व्यक्ति आकर लिखित रूप से अपनी बात रखेंगे एवं निष्कर्ष होगा। अगर विश्वासजनक बात नहीं रखी गई तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को अल्टीमेटम देकर 7 दिन के बाद आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं कर्मचारी होंगे। मूल्यांकन करें, अंदर की ओर उचित संरक्षण मुहैया कराएं। ये देख सकते हैं नजारा, ये नई बस्ती पटना का है। इन घरों की कंडीशन इस तरह से है, ये देख सकते हैं इन घरों में किस तरह से पानी भरा है। ये देखिए, ये घर का नजारा है। हाँ, देखिए इस तरह घरों में पानी भरा हुआ है। पूरा प्याज है, आलू टमाटर, जितना हाल है, सिलेंडर वगैरह। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।